नूह जिले की अनाज मंडियों में शुरू हुई आवक। नूह जिला हरियाणा में सरसों उत्पादन में दूसरे नंबर पर है। सरसों की फसल की आवक मंडियों में शुरू हो चुकी है। अनाज मंडी नूह तथा अनाज मंडी पुनाना में सबसे ज्यादा सरसों की खरीद होती है। इस बार सरकार ने प्रति क्विंटल 5,650 सरकारी रेट निर्धारित किया है। किसान अनाज मंडी में लाकर अपनी फसलों को सुखाने में लगा हुआ है। मार्केट कमेटी नूह द्वारा अनाज मंडी नूह में किसानों के लिए बिजली, पानी, शौचालय सहित तमाम सुविधाएं की गई हैं। मार्केट कमेटी नूह के सचिव शिरीन कुमार ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा कि 26 मार्च से ही सरसों की आवक अनाज मंडी में शुरू हो गई है। इससे पहले भी प्राइवेट आढ़तियों द्वारा तकरीबन 5,000 व 10,000 क्विंटल सरसों की खरीद की जा चुकी है। उन्होंने कहा कि खरीद एजेंसी के अधिकारियों, कर्मचारियों की कमी के साथ साथ सरसों की फसल में नमी की वजह से अभी तक सरकारी रेट पर सरसों की फसल की खरीद नहीं हुई है, लेकिन एक दो दिन में ही जैसे ही नमी दूर होगी तो 5,650 रुपए प्रति क्विंटल की दर से किसानों की सरसों की फसल को खरीदा जाएगा। उन्होंने कहा कि 26 मार्च से सरकारी खरीद शुरू होने की घोषणा की गई है और आगामी 15 मई तक सरकारी खरीद होने की संभावना है। कुल मिलाकर अनाज मंडी में अब सरसों की ढेरी चारों तरफ दिखाई दे रही है और पल्लेदार उस फसल में काम करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। इस बार सरसों की अच्छी फसल होने की उम्मीद है और भाव भी किसानों को अच्छा मिल रहा है। इससे किसानों के जीवन में खुशहाली आने से इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन नमी की वजह से खरीद में हो रही देरी से किसान थोड़ा चिंता में जरूर है। मार्केट कमेटी सचिव ने बताया कि अगर पिछले साल की बात करें तो तकरीबन 11,000 क्विंटल प्राइवेट और 4,000 क्विंटल से अधिक सरसों की खरीद सरकारी रेट पर की गई थी। तो कब से सरसों की खरीद स्टार्ट हो चुकी है, क्या रेट इस बार सरकार ने निर्धारित किया है, किसानों के लिए किस किस प्रकार की सुविधाएं अपने अनाज मंडी में उपलब्ध है? मेरा नाम शरीन कुमार है, सचिव मार्केट कमेटी नूह। हमारी जो मंडी में व्यवस्थाएं हैं, बिजली, पानी और सफाई की पूरी तरह दुरुस्त है और हम तैयार हैं सरकारी खरीद के परचेज की। उसमें किसान 26 तारीख से सरकार द्वारा निर्देशित जो स्कीम है उसके अंतर्गत खरीद स्टार्ट है, परंतु खरीद एजेंसी द्वारा जो है थोड़ी नमी होने के कारण और परचेज एजेंसी का जो कर्मचारी है वो उपलब्ध न होने के कारण थोड़ा डिले हुआ है। लगातार दो दिन से किसान अपने प्रयासरत हैं, वो पूछ के जा रहे हैं खरीद के बारे में। अदरवाइज कोई ऐसा इशू अब तक नहीं आया, संभावना यह है कि आज शाम तक खरीद की खरीद शुरू की स्टार्टिंग हो सकती है। क्या रेट इस बार 56,650 किया गया है और कब से कब तक खरीदी? 26 तारीख से स्टार्ट है और संभवतः 15 मई तक का रबी का प्रोक्योरमेंट सीजन होता है। सरकारी रेट की बात करें, पिछले साल कितना था, अगले साल कितना है और पिछले बार कितनी सरसों खरीदी? पिछले बार की जो सरसों है वो सरकार के द्वारा नूह में मार्केट कमेटी में 4,173 के आसपास खरीदी हुई है और जिसमें 11,000 प्राइवेट थी, तो टोटल 15,000 अप्रोक्सीमेटली सरसों हमारी मार्केट कमेटी में आई थी। 5,650। जस्ट वन टेलीकॉम मोबाइल रिपेयरिंग पार्ट्स एवं मोबाइल एक्सेसरीज के थोक विक्रेता। हमारे यहाँ कुशल इंजीनियरों द्वारा हर प्रकार के सैमसंग, आईफोन, नोकिया, वीवो, एमआई, होनर, ओप्पो, मोटोरोला आदि मोबाइल की बेहतरीन रिपेयरिंग की जाती है। अब आप अपना मोबाइल रिपेयरिंग कराएं विद ओरिजिनल पार्ट्स के साथ। जस्ट वन टेलीकॉम, हमें आईफोन स्पेशलिस्ट, हाईवे प्लाजा के सामने, मंडी चौराया, मथुरा।